जुड़े हुए हैं ना, जो ये दोनों लिपिड लेयर जो है आपस में जुड़ गए और ये मोनो लेयर यस लिपिड बना दिए हैं, है ना। और ये यस क्यों? मैम, क्योंकि आपस में जुड़े नहीं हुए हैं। तो तुम बताओगे यस दो मैम, लिपिड लेयर जो है जो कि आपस में जुड़े नहीं है, और इसमें क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है, इसलिए ये क्या होता है? यस। अनब्रांचेबल। ठीक है, ठीक है ना। यस चलो मैम, तो अब आगे चलते हैं। ये डिफरेंस तो तुमको पता ही हो गया। क्या यस बताया था मैम, मैंने? इंट्रॉन एग्जॉन बताया था ना, यस मैम, बताया था। और ये क्या यस होता मैम, है? एल एल और डी क्या होता है? एल बताया था लेवोरोटरी लेफ्ट, और डी बताया था डेक्स्ट्रोरोटरी राइट। हाँ, तो अब हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो ये मैथोजान हैलोफिलास जो तीनों है ना, थर्मो एसिडोफिल। ठीक है, तो हम लोग पहले हेडिंग डालते हैं, ये कंपेयर कर लेते हैं बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वन बाय वन यस पढ़ने मैम, से अच्छा है कि कंपेयर कर ले, ताकि तीनों एक पास रहेगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यस मैम, मैथेनो जन, ठीक है, ये मैथ्रोजन हो गया। सेकंड आपका क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड हेलोफिल है ना, यस हेलो मैम, फिल्स। थर्ड आपका क्या है? थर्ड है थर्मो, ऐसी, डोफी। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आज सर का क्लास है कि नहीं? यस मैम, आज है फिजिक्स का मैम, जी, नो मैम, छुट्टी। छुट्टी है। चलो ठीक है, फर्स्ट लिखो। फर्स्ट है इसका हैबिटेट, देखते हैं। हैबिटेट मतलब क्या होता है? जहां पे मैम इंसान हम रहता यहाँ है, पे, यस मैम, करता है, ठीक है, अपना गुजारा करता है। ठीक, तो इसमें जो होगा बेटा, ये क्या होता है? स्वैम्पी, मतलब मैंने तुमको बताया ना था, दलदली जगह पे पाया जाता है, बताया था ना, बताया था कि नहीं? मैथन कहाँ होता है? जहां दलदली जगह पे होता है, तो उसको बोलते हैं स्वैम्पी। स्वैम्पी या लिख लो मार्सी। ठीक है, मार्सी एरिया से पाया जाता है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज यस मैम, बेटा, ये मैथन आपको पता, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। जो एनिमल होते हैं ना, जो कि माउ माउ करके खाते हैं, चारा जो चरते हैं ना, चाहे तुम्हारी यस गाय मैम, हुई चाहे बकरी, सब चारा जो मुंह में चलाती रहती हैं सब, पता है क्यों? क्योंकि उनके स्टमक में एक फोर चैम्बर होता है, जिसमें कि एक चैम्बर का नाम होता है रूमेन। ठीक है, हाँ रूमे, रूमेन, में लिखवाती हूँ अभी, पहले समझ लो। तो जो रूमेन होता है बेटा, जैसे कि काऊ हो गए, बुफेलो हो गए, ये सब में रूमेन एक पार्ट होता है उसका, स्टमक का। रूमेन हमारे पाया जाता है क्या स्टमक में? नो मैम, शायद से, यस सेल्यूलोज हम लोग नहीं पचा पाते हैं, मैम, हम नहीं पचा पाते नहीं हैं, पचा लेते हैं, क्योंकि इनके में रूमेन पाया जाता है, वो चैम्बर होता है जो कि हमारे स्टमक में नहीं होता है, इसलिए इनको हम रूमिनेटिंग कैटल बोलते हैं। रूमिनेटिंग मतलब वही चरना, जो चरते हैं ऐसे मुंह। सेल्यूलोज, हाँ, तो होता क्या है ना यस, बेटा, इनके रूमेन में, मतलब इनके स्टमक में, रूमेन में ये मेथन प्रोड्यूस होता है। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं, गोबर गैस जानती हो ना? यस मैम, मान लो मैं ऐसे रफ लिख देती हूँ, गोबर गैस जो जानती हो, गोबर गैस, तो ये किससे होता है? ये गाय या भैंस के गोबर से ही बनता है ना, तो ये यस मैम, गोबर गैस इसलिए बनता है क्योंकि उनके स्टमक में रूमेन जो है, जो कि उसमें तुम्हारा ये मेथन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसकी वजह से हम गोबर गैस से जो तुम बिजली जो प्रोड्यूस करती हो, बनाती हो, यस बनता मैम, है ना, यस मैम, तो वो इसका मेन रोल किसका हो रहा है? मैथेन का ही प्रोड्यूस से हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, यस मैम, ये लिख लो, कौन सा पाया जाता है? रूमेन पाया जाता है, रूमेन, और यही तुम्हारे सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर रफ लिख लेना,
रूमेन ही जो होता है सेलुलो को डाइजेस्ट करता है, हम लोग में नहीं होता है, एनिमल में सिर्फ होता है। ठीक है, तो रूमेन हो गया। कहाँ पाया जाता है बेटा? स्टमक। देखना आप काऊ का या बफले का फिगर देखना, उसके स्टमक में देखना रूमेन लिखा होगा। ठीक है, यस मैम। रूमिनेटिंग बोला जाता है, रूमिनेटिंग कैटल। मान लो एग्जांपल आ गया, रूमिनेटिंग कैटल किसे कहते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए ना रूमिनेटिंग मतलब होता क्या है, यस मैम। तभी तो लगा पाओगी, नहीं तो कहोगे यार ये क्या क्या हो गया, ये रूमिनेटिंग क्या होता है ना। तो ये तुम्हारे किसमें पाया जाता है बेटा? काऊ में, लिख लो काऊ हो गया, एंड कैटल्स में बुफेलो। ठीक, तो ये तो हो गया इसका। एक चीज और इसका लिख यस लेते हैं, पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं फिर इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसका क्या करें, चलो कर ही लेते हैं पहले। इसमें क्या हो गया, हैबिलस में क्या होता है, हैलोफिलस में क्या होता है, कि ये क्या होता है, साल्टी होता है। क्या होता है बेटा? साल्टी एरिया पे पाया सॉरी जाता है। हाँ, सॉल्टी लेक। ठीक है, ब्रीज वो, सॉरी मतलब समझ जाओ कहाँ गया। ठीक है, साल्टी एरिया पे, समुद्र वगैरह या लेक वगैरह ये सब जगह पे, समुद्र में ज्यादा नाव पाया जाता है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, तुम्हारा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है ना। चल, ये यस लिख, मैम। ये इस जगह पे पाया जाता है। और अगर हम इनकी बात करें, थर्मो की बात करें, तो इनका भी लिख लो। थर्मो मतलब तू समझ रही हो ना, हाई टेम्परेचर होता है क्या? यस मैम। तो ये तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे पाया जाएगा, हाई जगह जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो उस जगह पे पाया जाएगा, हाई टेम्परेचर हो गया। और एसिडिटी मतलब समझ रहे, एसिडोफिलस मतलब हाई एसिडिटी हो, समझ रही हो, हाई एसिडिटी हो वहां पे। मतलब एग्जांपल तुम ले सकती हो बेटा, हॉट स्प्रिंग ले सकती हो ना, हॉट यस स्प्रिंग मैम। जैसे कि ज्वालामुखी वगैरह जहां पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यस मैम। चलो तो ये हो गया। अब हम इसका थोड़ा ये देख लेते हैं, रेस्पिरेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन पहले देख लेंगे फिर न्यूट्रिशन देख लेंगे, तो हो जाएगा। इतना हो गया, यस मैम हो गया। चलो ठीक है। अब लिख लो क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे, तीनों के बारे में। ठीक है ना, अलग से सबके बारे में रेस्पिरेशन में एडिंग नहीं डालती। ओके, यस मैम। वो देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा ये ऑब्लिगेट एनारियोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है बेटा? मैम आपने बताया था मतलब ऑब्लिगेट की मतलब जो मतलब एनारोबिक मतलब इनको चाहिए नहीं होगा ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट मतलब ना, यस मैम। अगर इनको ऑक्सीजन दे देंगे तो मर जाएंगे। हाँ मतलब ये पक्का, आप लिख लो पक्का यस मैम। एनारोबिक ही है, बिक है, बिक। ठीक है, एनारोबिक है, इसको अगर ऑक्सीजन मिला तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, 100% मतलब एनारोबिक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, O2 नहीं चाहिए। और फैकल्टेटिव मतलब बेटा, मैम मतलब अगर मतलब O2 भी मिल जाएगा तो वो लोग जिंदा रहेंगे मतलब चलेगा। यस वो तो ऑक्सीजन तो है ही उसके पास, एनारियोबिक मैम। कंडीशन में भी जीवित रहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। यस मैम। एनारियोब्स, एनारियोब्स मतलब लिख लो ब्रैकेट में क्या, ऑक्सीजन तो है ही है बट कैन यस मैम। लिव इन विदाउट ऑक्सीजन, समझे, या एनारियोबिक कंडीशन। ठीक है, फैकल्टेटिव यस मैम। बोल रहे। चलो अब इनका भी लिख लो, इनका क्या होगा,
थर्मो का, इनका होता है, ये भी फैकल्टेटिव होते हैं, ठीक है बेटा, ये भी फैकल्टेटिव बाइनरी ऑफिस होते हैं। मैं इस तरह टिक लगा दे रही हूँ बस, समझ गई? यस मैम। लिखना पड़ेगा क्या? नो मैम, मैं लिख लूंगी कॉपी में साथ साथ में, लगा देना कि ये इनमें भी पाया जाता है, ठीक है। अब पूरा इनका ये देख लेते हैं, न्यूट्रिशन देख लेते हैं बेटा, न्यूट्रिशन लिख लो कि इनका न्यूट्रिशन क्या है। चलो ये होते हैं बेटा कीमो ऑटोट्रोफस, मतलब अब हमको बताओ कि तुमको बताया था मैंने कीमो ऑटोट्रोफस। मैम जो मैम केमिकल के थ्रू जो अपना न्यूट्रिशन ले, इसको क्या बोलेंगे, कीमो ऑटो मतलब मैम जो अपना खाना खुद बनाए। हाँ, तो एक तो केमिकल से वो खुद मतलब बना रहे हैं इसलिए ऑटो, तो इसको और क्या बोलते थे बेटा, कीमो लिथो ऑटोट्रोफस भी बोलते थे ना। यस मैम, भूले नहीं ना हो? नो मैम। चलो ठीक है, कीमोलिटो ऑटोट्रोफस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसमें मान लो एग्जांपल अगर हम लिए हैं, तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करेगा तुम्हारा H2 से मिलके क्या बना लेगा बेटा, मैथेन बना लेगा, ठीक है, और वाटर रिलीज कर देगा, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अब इसमें लिख लो ये क्या होता है, ये तुम्हारा हेट्रो होता है, क्या होता है हेट्रो, क्या नहीं बनाएंगे अपन, बहुत लेजी है इसलिए इनको और क्या बोलते हैं, कीमो, कीमो आप बताओ क्या बोलेंगे, जो हेट्रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कीमो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो। यस मैम, हम लोग क्या है, कीमो ऑर्गेनो ही है ना। अब हम लोग यस मैम, पेड़ जो है तुम्हारा ऑर्गेन और ये बना रहा है, तो जो हम लोग प्रोटीन वगैरह ही ना खाते, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक ही है ना बेटा। यस मैम, प्रोटीन को फिर हम लोग बना बनाएंगे तो फिर खाएंगे, ठीक है, ये इसलिए इसको कीमो 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 ऑर्गेनो ट्रॉपस बोलते हैं, ठीक है। चलो और क्या होगा बेटा, चलो इसमें जैसे मान लो एक मैंने फिगर एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो बैक्टीरियो, बैक्टीरियो कौन सा है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, रोडोप्सिन से कुछ समझ में आ रहा है क्या, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन समझ में आ रहा है, हमारे आयन में क्या बनता है, रोड बनता है कि नहीं, रोड और कौन होता है कि नहीं, फिजिक्स में सर पढ़ाए होंगे। यस मैम। नो मैम, पिछले साल ये चैप्टर डिलीट था, है ना, ठीक है। यस मैम, होता है ना हमारे आयन में, तो ये यस मैम, क्या है तुम्हारा पिगमेंट हुआ कि नहीं, हाँ, तो तुम रोडो से समझना ये तुम्हारा क्या हो गया, रोडो ये बैक्टीरिया रोडोप्सिन है, बैक्टीरिया जो है, जो कि तुम्हारा क्या बनता है जब फोटो फोटोट्रॉफी, मतलब फोटोट्रॉफी मींस क्या होगा बेटा, मैम जो लाइट से, हाँ बिल्कुल, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये मैंने बैक्टीरिया बना दिया, ठीक है, फोटोट्रॉफी हो रहा है इनमें, ठीक है, और ये तुम्हारा इसमें क्या हो जा रहा है, ये लाइट पड़ रहा है इधर, लाइट पड़ गया, और ये तुम्हारा सेल वॉल हो गया, और ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फोटोट्रॉफी हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है बैक्टीरिया, ये क्या कर रहा है इसमें, ये अब्सॉर्ब करके क्या बना रहा है बेटा, रोडोप्सिन जो हो रहा है ना, ये अपना एटीपी बनाएगा बेटा, ठीक है, ये और ये किस कलर का होता है बेटा, पर्पल, पर्पल प्रोटीन, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया रोडोप्सिन मतलब पर्पल कलर का होता है, हाँ ठीक है, ये कलर हमारे आई में तो कलर का फॉर्मेशन करता है ना, मैं यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया रोडोप्सिन है, ये तुम्हारा क्या करता है, पर्पल प्रोटीन होता है, ठीक है,
पिगमेंट है, मतलब अलग अलग कई तरह का पिगमेंट कलर हो जाएगा ना बेटा, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो पर्पल की बात हो रही है। मैंने रोडोप्सिन सिर्फ आए का एक एग्जाम्पल बताया तुमको जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है जो कि किसमें होता है बेटा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसमें होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यस मैम, ठीक। और ये तुम्हारा सनलाइट के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, और ये ट्रैप करके क्या बना रहा है बेटा, फॉर्मेशन, बाहर का नहीं आएगा उसके, फॉर्मेशन, ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। और फिर इसका यूज कैसे कर रहा है, ये पहले बताओ, ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या ये खाना बनाने में यूज करेगा, बताओ पहले। नो मैम, यहाँ पर लिख लेना ट्रैप सनलाइट, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम ये सोचो कि हेटरोटॉपस है, यानी खाना बनाने की बात हो रही है, ये तो हेटरोटॉपस है तो कैसे खाना बनाएगा बेटा, ये तो किसी और के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन ये एटीपी, और एटीपी आप सुनोगे तो जाहिर सी बात है सोचोगे कि खाना बनाने की बात हो रही है, एटीपी तो रिलीज होगा ही ना, तो यहाँ पर ये एटीपी खाना बनाने के लिए नहीं यूज कर रहा है, ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज कर रहा है। किसमें यूज कर रहा है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपको पता है ना। यस मैम, जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हो। हाँ, जैसे मान लो जो भी प्रोटीन है तो उसको तोड़ेगा, अमीनो एसिड बताया था ना, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, यस मैम, हाँ भूले नहीं ना हो, नो मैम, रिएक्शन जो भी मेटाबॉलिक में एक्टिविटी में उसको यूज करेगा। भाई बनाया तो उसको व्यर्थ थोड़े होने देगा, उसको यूज कर लेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। बट आप लिख लो कांट लिव, क्या करेगा, कांट मतलब सिंथेसाइज, ये तुम्हारा सॉरी कांट कांट यूज टू सिंथेसिस फूड, ठीक है, कांट, समझ रही हो, खाना बनाने में नहीं यूज करेगा, सिंथेसिस फॉर्मेशन, किसमें, फूड में नहीं यूज करेगा, ठीक है। यस मैम, समझ में आ गया इतना, Yes, मैम, आ गया। अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं, ये किससे लिखे जा रही हूँ? No, मैम, अच्छी तरीके से आ गया। हाँ, लिखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कहानी लिखते जाएं, और कहानी लिखवाने का मतलब है कि वो तुमको आना चाहिए, है ना? Yes, मैम। तो थ्योरी तो तुम कहीं से भी पढ़ लो, समझ में आना चाहिए पहले। अब इनका क्या कहानी है, ये तो फैकल्टेटिव है ही है, फैकल्टेटिव मैंने बताया था ना, है। अब ये कीमो ऑटोट्रॉफस भी है, क्या है ये, कीमो ऑटोट्रॉफस, यहाँ पे जो बताया था कीमो ऑटोट्रॉफस, कीमो ऑटोट्रॉफस है, तो इसको तुम लिख सकती हो ना इस तरह, कीमो ऑटोट्रॉफस, ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेशन, कहीं घूमने गए कि नहीं मैम, मैं हाँ नो मैम, अभी 5 बजे अभी नानी के यहीं आया है अभी। हाँ, तो नानी के घर ही थी ना। नो मैम, वो हम अपने घर में थे, मतलब नानी के घर। नो मैम, हम सीधे रेलवे स्टेशन से उतर के मतलब अपने घर गए, उसके बाद वहाँ क्वारंटीन थे और आज अभी आए हैं। जो अपने घर नहीं समझे, तुम्हारा अपना घर भी है क्या वहाँ पे? हाँ यस मैम, वो मम्मी पापा ने मतलब घर खरीदा था ना, तो वो ऐसे मतलब कुछ तो है नहीं, बस ऐसे गेस्ट हाउस की तरह यूज होता है वो घर। अच्छा, हमको लगा दादा दादी का भी घर होगा ना वहाँ पे। हाँ मैम, 1 घंटे ही पड़ते, दादी का भी घर 1 घंटा, नानी के यहाँ भी 1 घंटा, आराम से रोड से भी चले जाओ, ट्रेन से भी चले जाओ, जैसे मर्जी। तो पहले फिर वहाँ से नानी के घर आई और फिर अब दादी के घर जाओगी ना? हाँ, बस भाई और मैं अभी आए हैं, मम्मी कल आएंगी। अच्छा चलो ठीक है। तो ये देखो ये क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। यस मैम, इस चीज में मैक द एनवायरनमेंट एसिड, ठीक है, एनवायरनमेंट से करता क्या है, जैसे मान लो ये सल्फर है तुम्हारा,
मान लो ये तुम्हारा सल्फर है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, एरोबिक, सॉरी एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंट में, ठीक है, ये क्या बना ले रहा है बेटा, H2SO4 बना रहा है ना, यस मैम, ये बना रहा है, और दूसरा क्या एनएरोबिक कंडीशन में क्या बना रहा है, एनएरोबिक कंडीशन में क्या बना रहा है बेटा, H2S बना रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में H2S बना दे रहा है, और ऑक्सीजन ना होने के में ये H2S बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये एक्युमुलेट कर देता है किसको बेटा, H2SO4 को, ठीक है, मैग्दा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट की एसिड, ये एसिड फॉर्म करने, ये तुम्हारा क्या एसिड ही है ना बेटा, यस मैम, H2SO4, ठीक है, चलो तो तुमको समझ में आया इतना, यस मैम, आ गया, आगे पढ़ते हैं, ये सारा कहानी हो चुका, हाँ एक चीज इसमें लिख लेना बेटा, अभी एग्जांपल लिखवा देती हूँ पहले, हाँ इसमें ये लिख लेना, ये हो गया ना, हाँ इसमें लिख लेना कि दे फॉर्म, ये यहाँ पर मैथ लिख लेना, दे फॉर्म क्या बना रहे हैं, मैथन ना, यस मैम, फ्रॉम CO2 से मेथेनॉल और फॉर्मिक एसिड भी बनाते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड, दिस इन्वॉल्व, इसीलिए किसमें इन्वॉल्व होते हैं, बायोगैस में, किसमें, बायोगैस, क्योंकि मैंने उधर बताया ये तुमको, ठीक है, बायोगैस, यस मैम, ठीक है, और इस, ये हो गया, चलो एक चीज और लिख लेते हैं, हाँ अदर, अदर ये तुम, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे हेडिंग डाल देना अदर में, मैंने बताया अदर, अदर्स, ठीक है, अदर्स में बताया, तो इसमें ये लिख लो बायोगैस हो गया, और एक बेटा कुछ कुछ एनिमल्स में इसको ड्रग्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है बेटा, लिख लो, मतलब मैम, देखो बायोगैस जो है ना ये तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है फॉर्म किससे, सॉरी 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 मैं ड्रग्स बोल रही हूँ, तुम्हारा ढंग होगा ना, ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम जो गोबर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, yes, क्या बोलते हैं, डंग बोलते हैं, डंग, हाँ, ऑफ द हूज एनिमल, ठीक है, एनिमल, ओके, और देखो इसमें ये एग्जाम्पल इसका लिख लो बेटा, क्या क्या मैथनोकोकस बैक्टीरिया हो सकता है, हो गया ना, इसमें एग्जाम्पल मैथनोकोकस बैक्टीरिया, मैथनोकोकस, कोकस मतलब समझ रही हो ना, यस मैम, तो सर्कल जैसे जो फिगर मैंने बनाया था में बताया था ना, और लिख सकती हो मैथेनो बैक्टीरियम, पता होना चाहिए, एग्जांपल आएगा तो ये नहीं होना चाहिए कि ये मैथेनो में आएगा कि क्या होगा, नाम ही से तुमको समझ में आना चाहिए कि ये बैक्टीरिया मैथेन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, yes, और इसका जो yes, है का है तो इसके भी नाम से ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा, ये है लो कोकस, ठीक, क्या हो जाएगा, हेलो बैक्टीरियम, ठीक है, दो याद रखो, यस मैम, बस इतना बहुत, चलो ठीक है, अब इसका देख लेते हैं बेटा, इसका थोड़ा एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, यस मैम,
हो गया ना? यस मैम हो गया। ट्रिक लिख लो फॉर क्या आर्की बैक्टीरिया। क्लासिकल वर्क क्या करता है इसका नाम जो है वो, ये क्या करते हैं क्लासिकल वर्क तेरी, मैं तेरी हो गया, मैं तेरी हो गया। ठीक है, तो ऐसे से समझ में आ रहा है क्या होगा? एच हेलो लिस थर्मो एसिड एसिडो एम से लिस एम से मिथेनो मिथेनोजेंस सी से क्या हो जाएगा सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट डिस्पेंड डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया से सेल वॉल स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है कि नहीं? यस मैम। और इसका क्या है जी फोर, जी फोर होगा गट, गट मतलब क्या होता है इंटेस्टाइन होता है बेटा, गट ऑफ रूमिनेटिंग। देखो कई जगह आदमी कंफ्यूज हो जाता है, गट को मतलब वो ऑसोफेगस समझने लगता है, ठीक है, बट ये माइंड मैं भी वही समझ रही थी गट मतलब। समझ में आ गया ना, कभी कंफ्यूज ना करना, हमेशा क्वेश्चन पूछता है बेटा, गट दे के ही देता है, लेकिन वो है तुम्हारे इंटेस्टाइन ना कि ऑसोफेगस से, ठीक है? यस सर। रुमिनेटिंग में बताया ना, तो रुमिनेटिंग ऑफ कैटल्स, क्या बना रहा है तुम्हारा सी एच फोर, और उससे फिर क्या हो रहा है बायोगैस हो रहा है ना। चलो और एम से क्या होगा मेथेनोजीनस आर प्रेजेंट इन, ठीक है एम से लिख लो, इसमें क्या प्रेजेंट होता है मेथेनो जीनस आर प्रेजेंट इन, ठीक है हो गया। कहाँ गई? यस मैम मैं यही हूँ। हो गया यस मैम, मैं वो माइक ऑफ रह गया था ना, मुझे लगा ऑन है। कोई नहीं, चलो कोई नहीं, हो गया ना, आगे पढ़ें। यस मैम, यस मैम। आगे हेडिंग डालो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया खत्म होंगे भैया। हेडिंग डालो इको नो, अभी भी इनका इकोनॉमिक ज्यादा है, पढ़ लो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट, इसलिए बता रहे इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये सब माइंड में रखना बेटा, याद करना आ जाता है, ठीक है? बेसिक इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर नहीं माइंड में रखोगे तो सब पढ़ना बेकार है फिर। यस मैम। इकोनॉमिक मतलब समझ रही हो ना, मतलब क्या आर्थिक रूप से? यस मैम। क्या क्या यूज होता है, ठीक है? तो हम लिखो पहला लिख लो, हाँ लिखो पहला लिख लो नाइट्रिफाइंग नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन मतलब पता है ना तुमको?
नहीं पता है। नाइट्रिफिकेशन होता है ना, वही नाइट्रोजन जो फिक्सेशन वाला। तो नाम से ही सब सुनो ना, समझो ना, तो किस फॉर्म में है नाइट्रोजन है ना, आपको तो ऐसे 78% तो नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट में रहता है, बट वो ऐसे डायरेक्ट फॉर्म में वो नहीं लेता है, नहीं लेता है ना प्लांट, तो ये किस फॉर्म में से बैक्टीरिया क्या करेगा, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ठीक है। यस मैम। इसी तरह दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा लिख सकती हो, मान लो N2 फिक्सेशन, ठीक है। ये भी तुम्हारा दो तरीके से होता है, एक तो फ्री लिविंग होता है, यस मैम, दूसरा क्या होता है सिम्बायोटिक, पढ़ाया था मैंने तुमको, यस मैम, देखना तुमको याद होगा, गुड होस्ट आपने बताया था, अच्छे होस्ट। देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी तुम्हारा नाइट्रोजन क्या होगा NH3 से, फिर क्या होगा NO2 में तोड़ेगा, फिर उससे NO3 में तोड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर अमोनिया, अमीनो एसिड, प्रोटीन ये सब बनाएगा, है ना। yes, चलो हम सिम्बायोटिक की बात करते हैं, सिम्बायोटिक की अगर बात करें, जिसमें मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें कि एना बेना बताया था, जिसमें कि एजोला के लिप से वो सिम्बायोटिक करता है ना, यस मैम आपको बताया था, एजोला हो गया, और क्या बताया था, साइकस भी बताया, साइकस है ना, साइकस। चलो दूसरा लिख सकती हो कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम भी बताया था, यस मैम, क्या होता है, लेग्यूमिनस होता है ना, यस मैम, दाल और जो होता है दाल मटर वटर उसी को हम लेग्यूमिनस कहते हैं, उसी रूट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा फ्रंकिया, ये सब लिखवाया था मैंने, एक्टिना, क्या होता है ये, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन सॉरी लिविंग नहीं, लेग्यूमिनस, ठीक है, समझ में आया, यस मैम। चलो अब कुछ कुछ बैक्टीरिया जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में, हो गया ना तीसरा लिख लो, दूसरा हो गया जो मैंने तुम्हारा ये फ्री लिविंग, फ्री लिविंग में तुम एग्जांपल लिख सकती हो, मैं अलग हेडिंग से लिखवा देती हूँ, फ्री लिविंग में क्या हो जाएगा तुम्हारा, एज टू बैक्टर हो जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम हो जाएगा, ठीक है, यस मैम। चलो तो कुछ बैक्टीरिया जो यूजफुल है वो डाल लो, सम बैक्टीरिया यूजफुल, हेडिंग डालो सम यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक, जो हमारे यूजफुल में है। तो जैसे कि मान लो सॉइल फर्टिलिटी के बारे में मैंने बताया था ना बेटा, यस मैम, करता है ना, इनको ले जाकर एजोला का ही ले लो, बताया था कि नहीं, राइस का अगर करना चाहती हो तो, हाँ यस मैम आपने बताया था, अगर बीज से डाल दो तो हो जाएगा, यस मैम, इसलिए ये फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है। तो इसका तुम ए लिख सकती हो, जैसे कि फ्री लिविंग, क्या हो गया फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग जाएगा, जो कि क्या क्या होता है बेटा आपका, जैसे कि मान लो एजोटोबैक्टर, ये सब नाम याद रखना बेटा, नाम नहीं याद रखोगे आएगा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एजोटोबैक्टर हो गया, एजो सॉरी ये क्या हो जा रहा है, हो जाएगा एजो, एजो स्पिरिलियम, ठीक, क्लोस्ट्रिडियम के ली वेसिलिया वे जेरनिकिया, ठीक है, सब है जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन है, ठीक है, सिम्बायोटिक नहीं है, समझ में आ रहा, और सिम्बायोटिक yes, ma'am. बेटा दूसरा क्या, मैंने सिम्बायोटिक बताया था, दूसरा आप लिख लो,
इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा राइजोबियम, बताया ना अभी। यस मैम। राइजोबियम हो गया, फ्रंकिया हो गया, इसी के वही हम बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, है ना। यस मैम। क्या हो जाएगा, फंगस हो जाएगा ना, एक्टिनोमाइसिटीज हो। फिर एनावेना हो जाएगा, एनावेना में तुम लिख लो एजोला या साइकस। ठीक, नहीं आया। दूसरा यस मैम, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, एक और डाल लो, क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, अभी बताया ना। यस मैम। क्या लिख सकती हो, नाइट्रोसोमोनास। सारा नाम इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि बस वैसे पढ़ लिया, आ जाएगा क्वेश्चन, चार ऑप्शन दे देगा, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, समझ जाओ। नाइट्रोबैक्टर थर्ड आप लिख लो, इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होता है, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है बेटा। मैम डिकम्पोज होना मतलब, तोड़ना बेटा, सड़ा गला के जो बैक्टीरिया क्या करता है, आप घटक बोलते हैं ना हिंदी में, क्या करता है। यस मैम। सड़ा गला है, उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, फिर बैक्टीरिया उसमें से क्या प्रोटीन वोटीन सबको निकालेगा, करेगा कि नहीं, डिकम्पोज कर देगा, है ना, मतलब ब्रेक कर देगा, डिकम्पोज मतलब ब्रेक कर देना, तोड़ ओड़ देगा उसमें से जो उसका न्यूट्रिशन उसको निकालेगा, एक्ट एज डिकम्पोजर्स। भाई कूड़ा वगैरह हम लोग फेंकते हैं, अगर डिकम्पोजर ना हो तो क्या वैसे कूड़ा का ढेर बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। यस मैम। किसमें हेल्प करेगा, करेगा कि नहीं, मिनरलाइजेशन में और न्यूट्रिएंट रिसाइकल में, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं कि नहीं। यस मैम, रिसाइकलिंग में। ठीक है, हो लिख रही हो कि नहीं। यस मैम लिख रही हूँ। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं नेचुरल स्कैवेंजर्स, वही मार देना। ठीक है, नेचुरल स्कैवेंजर्स। ठीक है, यस मैम। और फोर्थ लाइन में लिख लो, विनेगर के बारे में सुना है कि नहीं ना। यस मैम। ये सब इकोनॉमिक में आ रहा है बेटा, ठीक है ना। यस मैम। विनेगर तो किसमें यूज होता है, विनेगर का अभी बताएगी चाउमीन बर्गर। यस मैम। उठ के भाग जाओगे खाना खाने के लिए, चाइनीज फूड खाने लगेगी, अभी तुम चाइनीज फूड खाने लगेगी। नो मैम। देखो तो विनेगर तुम्हारा होता है ना, कोई भी चीज जैसे सड़ा गला ना हो उसको बचाने के लिए विनेगर हम डाल के रखते हैं ना, तो ये तुम्हारा एसिटिक एसिड होता है, एक्चुअली एसिटिक एसिड ही होता है जो हम लोग चाउमीन वगैरह जो बनाते हैं विनेगर डालते हैं, वो होता है क्या, एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, ये तुम्हारा एसिडोबैक्टर एसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, ये बैक्टीरिया है, कौन है, क्या है ये बैक्टीरिया जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटिक एसिड। ठीक है,
दूसरा जो क्लोस्ट्रिडियम बताया अभी, क्लोस्ट्रिडियम तो तुमको याद ही होगा, क्लोस्ट्रिडियम एसिडोबैक्टीरिया सब तो याद ही होगा। हाँ यस मैम। देखो ब्यूटेलिकम, ब्यूटेलिकम मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, ब्यूटेरिक एसिड, जो कि बटर होता है ना बेटा, कई तरह का बटर होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। यस मैम। तो बटर में, ठीक है ओके। एंड फिर आप लिखो कर्ड, जानती हो ना कर्ड? यस मैम। दही कर्ड हो गया, हाँ चीनी हो गया, और योगर्ट हो गया, इन सब के yes, कौन सा बैक्टीरिया जो होती है जो प्रोड्यूस करता है? कर्ड का तो तुमको पता ही होगा कौन बैक्टीरिया यूज कर प्रोड्यूस करता है। मालूम है कि नहीं, कड़ खाती है उसमें ढेर सारा बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है उससे? नहीं मालूम? नो मैम, नहीं याद आ रहा। तो वैसे लग रहा क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यस मैम। यस लैक्टोबैसिलस, बी ए है यहाँ पे, बैसिलस, ये कर्ड में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये भी तुम्हारा क्या होता है, योगर्ट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो चीज है, जो कि चीज जो तुम क्या पिज्जा वगैरह पर चीज, ये पनीर नहीं, समझ रही हो? समझ रही हो? जो टाइट चीज होता है जिसको हम वो पिज्जा वगैरह बनाते हैं तो उस पर घिसते हैं ना। यस मैम। फिर हीट करने से पिघल जाता है। हाँ तो ये क्या होगा तुम्हारा, प्रो पियोनी बैक्टीरियम इसके थ्रू होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, से पूरा नाम इसका है सेर मानी, इतना खतरनाक बैक्टीरिया है ये, ठीक है। इसको स्विस चीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब नाम याद रहेगा तुमको ये सब, तो चार ऑप्शन आ जाएगा कर्ड, तो पता रहेगा तभी तो लगाओगी, चीज पता रहेगा तभी तो लगाओगी, बोलो। यस मैम। लिख ली? यस मैम। अब लिखो एक और हेडिंग डालो, पेट्रोलियम पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके बारे में ध्यान से कहानी सुनना। लिख लिया हेडिंग डालो? यस मैम। पेट्रोल से समझ में आ रहा है कंट्रोल? से समझ में आ रहा है, पेट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है। कौन बैक्टीरिया करती है? तो ये एक बैक्टीरिया होती है स्यूडोमोनास फ्यूटिडा, पी से याद करना, पी से पॉल्यूशन याद रखो या पेट्रोलियम, ठीक है। स्यूडोमोनास फ्यूटिडा क्या करता है बेटा, होता क्या है ना, जैसे कि मान लो हम जो पेट्रोल लाते हैं, पेट्रोल क्या करते हैं हम, मान लो सऊदी अरबिया में बनता है ना, यहाँ कहाँ होता है पेट्रोल, कहाँ प्रोड्यूस होता है? मैम सऊदी अरेबिया साइड, वहां से हम डायरेक्ट ला सकते हैं एयरप्लेन से, कैरी कर सकते हैं, नहीं आग लग जाएगा। हाँ तो इसको किससे लाएंगे, जहाज से ले आएंगे ना? यस मैम। आएंगे ना, तो आप देखो जहाज से ले आएंगे तो कुछ कुछ ऑयल जो होगा वो क्या हो जाएगा, मान लो जहाज से हम ले आ रहे हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह पर उतारेंगे तो ऑयल क्या हो जाएगा, ऑयल वहां पे स्पिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पिल मतलब फैल जाएगा, ऑयल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा बेटा, ऑयल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पानी की सतह पे। तो आप ये बताओ, जब ऑयल तुम्हारा फैल गया कहाँ, वाटर की सतह पे मतलब उसके ऊपर, समझ रही हो? तो ये yes, बताओ, जब ये फैल जाएगा तो जो पानी में, वाटर में जो लिविंग एनिमल्स हैं वो क्या, उनको ऑक्सीजन मिलेगा, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, मिल पाएगा?
क्योंकि वो एक लेयर बना दिया है, उसकी वजह से वो क्या सन को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन उनको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसी टाइम पे ये जो बैक्टीरिया रहती है, उसी टाइम पे ये बैक्टीरिया कौन सा, स्यूडो मोनास प्यूटिडा क्या करती है, प्यूटिडा क्या करती है बेटा, ये क्या करेगी, उस ऑयल की ऑयल स्पिल को क्या कर लेगी, ब्रेक करके खा जाएगी, क्या करेगी, ब्रेक कर देगी उसको, क्या कर देगी, डिकम्पोज कर देगी, डिकम्पोज कर देगी, समझ रही हो, डिकम्पोज कर दे या खा दे या किसी तरह उसको फिनिश कर दे, ठीक है, फिनिश कर दे, ठीक है, मतलब हटा दे वहां से लेयर को, हटा दे, जब वो डिकम्पोज कर देगी तो लेयर वहां से क्या जाएगा, हट जाएगा ना, तो हट जाएगा बेटा, तो ऑक्सीजन एनिमल्स को मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, एनिमल्स वाटर एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन फिर मिल जाएगा ना बेटा, ट्रिप कर पाएंगे, समझ में आया, यस मैम, हाँ नहीं समझ में आया कि नहीं, यस मैम आ गया, हाँ ताकि तुमको कहानी पता हो यार, तभी तो मालूम रहेगा पेट्रोलियम प्यूटिडा का वर्क क्या है, क्या है, ठीक है। अब एक और एडिंग डालो उसको, अब मैं क्या थर्सडे को पढ़ाऊंगी, ठीक है, इतना हो गया ना, लिख लिया ना, समझ गई ना, यस मैम, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, यस मैम, मैम थोड़ा सा नीचे, हाँ कर रहे कर, ठीक है, बस समझ जाना, समझ जाओगे तो तुम लिख लोगे अपने हिसाब से, ठीक है भाई, कोई भी बैक्टीरिया होगा डिकम्पोज करेगी तभी तो हमको, मतलब मान लो ऑयल फैला है, अगर ऑयल वैसे ही फैला रहेगा तो एनिमल को मरने के लिए बहुत उनके लिए डेंजरस हो जाएगा ना, यस मैम, क्योंकि ऑयल तो तुम्हारा पानी में घुलता है क्या, नो मैम नहीं, मैम हो गया, चलो ठीक है, आप थर्सडे को फिर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, यस मैम, मैम अभी सर क्लास लेंगे, हाँ मुझे नहीं मालूम है, देखते हैं, पूछ के तुमको मैसेज करते हैं, ठीक है, अगर मैम अभी सर क्लास लेंगे तो सर को बोल दीजिए सर थोड़ा 7 बजे से, हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं बोल दूंगी, ठीक है, यस मैम, ओके बाय, थैंक यू मैम, बाय मैम, आई थिंक नहीं लेंगे, किसी और का क्लास है शायद, कल ले, कल लेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो दिन में 11 बजे तुम लोग को बोले थे ना 11 बजे क्लास लेंगे, 11 बजे वो कर रहे थे, कोई आया ही नहीं, तो फिर वो बोल दिए कि मैं तो ज्वाइन कर रही थी लेकिन मतलब नहीं हो रहा था, नहीं वो बोले थे कि मैंने किया था शायद, तुम आई थी शायद, अब पता नहीं, और बोल रहे बाकी बच्चे नहीं आए तो शायद नहीं किए, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम, मोस्ट वेलकम।